नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास। दोस्तों, कल का दिन वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारे सबके प्रभु श्री राम अपने मंदिर में आ चुके हैं। काफी भव्य समारोह हुआ और दोस्तों इस समारोह के बाद आज के दिन से जो आम लोग हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस दौरान लोगों को जाने आने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए अलग अलग लेवल से जो कोशिशें हैं वो हो रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जो है अलग अलग रूट्स पे बस चला रही है, बसेस जो है वो बिहार से भी चलेंगी। इसके साथ ही साथ जो हमारी भारत सरकार है जिसके अंडर रेल मिनिस्ट्री आती है उसने घोषणा की है कि देश के अलग अलग भागों से नई नई ट्रेनें चलाई जाएंगी अयोध्या के लिए, जिससे जो भी यात्री जो भी व्यक्ति दर्शन करना चाहता है प्रभु श्री राम के वो आराम से कर पाए। दोस्तों इसी क्रम में बिहार से चलने वाली है 5 ट्रेनें अयोध्या के लिए। दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे कि कौन सी होगी ये ट्रेनें। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि बिहार के किस भाग से यहाँ पे ट्रेनों को चलना चाहिए अयोध्या के लिए। दोस्तों यदि हम यहाँ पे बात करें रेलवे की नोटिफिकेशन की जो कि निकाली है आज से लगभग 2 दिन पहले, अभी यह पक्की नोटिफिकेशन नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन है। इसमें बताया गया है कि जो पहली ट्रेन बिहार से अयोध्या के लिए चलेगी वो होगी भागलपुर से वाया पटना होते हुए इस ट्रेन को चलाया जाएगा। ये एक डेली ट्रेन होगी जो कि चालू होने वाली है 1 फरवरी से लेकर 1 मई तक के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए इस ट्रेन को चालू किया जाएगा। यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन है यह है जयनगर से वाया दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर होते हुए ये ट्रेन अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाएगी। काफी लंबा रूट है लेकिन एक कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है जयनगर दरभंगा को अयोध्या से। यहाँ पे जो तीसरी ट्रेन होने वाली है ये होने वाली है सहरसा रेलवे स्टेशन से, ये ट्रेन भी चलेगी वाया बरौनी, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज होते हुए, एक प्रकार से सहरसा से अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पे जो चौथी ट्रेन है यह पटना जंक्शन से अयोध्या के लिए सीधी कनेक्टिविटी दी गई है। और यहाँ पे जो 5वीं ट्रेन होने वाली है ये चलने वाली है रक्सौल रेलवे स्टेशन से वाया नरकटियागंज होते हुए, ये ट्रेन भी अयोध्या तक जाएगी। और कुल मिला के ये जो सभी की सभी ट्रेनें हैं फरवरी महीने के पहले हफ्ता में चालू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों इन सभी ट्रेनों पे आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं।